हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हम बात कर रहे थे सेवन एंड लार्ज मेंबर हिटारो साइकिल्स की, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया है डाइएजेपाइन और थाइएजेपाइन को। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजोसाइंस की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एजोसाइन होता क्या है। एजोसाइन एक 8 मेंबर अनसेचुरेटेड हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसके अंदर 7 कार्बन एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन एटम होता है और साथ में क्या होते हैं, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, 4 डबल बॉन्ड है और बाकी जो 7 कार्बन एटम है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C7H7N। और ये जो एजोसाइन है ये मिलता है काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर मेंजामाइन भी इंक्लूड है, जो कि क्या है, एक मराइन एल्कलोइड्स की फैमिली है। नेक्स्ट, ये जो एजोसाइन है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और एसिड सेंसिटिव कंपाउंड होता है। तो हाईली रिएक्टिव एसिड सेंसिटिव कंपाउंड होता है ये एजोसाइन। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। एजोसाइन का जो सबसे पहला सिंथेसिस है वो हम देखेंगे अंडर फ्लैश वैक्यूम पायरोलाइसिस। यहाँ पर जो FVP आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब है फ्लैश वैक्यूम पायरोलाइसिस। यहाँ पर हम एक कंपाउंड लेंगे जिसका नाम है डाइएजा बास्केटिन। जब हम इसको फ्लैश वैक्यूम पायरोलाइसिस के थ्रू हम इसको ट्रीट करवाते हैं तो क्या होता है, हमें यहाँ पर एजाइन देखने को मिलता है। ये एजाइन कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, उसके बाद में यहाँ से निकलता है HCN। इस HCN के निकलने के बाद में हमें इस तरीके का जो कंपाउंड है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में जब हम इसको -198 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, एजोसाइन देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रोसेस जिसके थ्रू हमने क्या किया है, एजोसाइन को सिंथेसाइज किया है। नेक्स्ट जो एजोसाइन का सिंथेसिस मेथड है वो है फ्रॉम सब्सटीट्यूटेड हिटारो ऑक्सी एजा बाईसाइक्लो 420 ऑक्टा 370। यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है, इसकी ट्रीटमेंट हमने डिफरेंट तरीके के जो कंपाउंड्स है उनसे करवाई है। उसके बाद में हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसे हम फिर से ट्रीट करेंगे NBS और बेस के साथ में तो हमें मिलता है एजोसाइन। नेक्स्ट जो हमारा सिंथेसाइज मेथड है वो है थर्मोलाइसिस रिएक्शन। इस थर्मोलाइसिस रिएक्शन के अंदर हमने इन दो कंपाउंड को क्या किया है, ट्रीट किया है टॉलिन के साथ में, फिर वहां पर उसको रिफ्लक्स दिया है, जिसके अंदर से क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और हमें इस तरीके की जो रिएक्शन होते हैं हमें फाइनल जो मिलेगा वो मिलेगा सब्सटीट्यूटेड एजोसाइन। तो ये था हमारा एजोसाइन जिसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।